प्रियंका गांधी का कौन सा करेक्टर है, कौन सा इसने 30 मार्क कहाँ काम किया है पिछले 10 साल तक, जब मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश में सत्ता थी कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस देश के प्रति? दारू पी करके टल्ली रहना और यही काम था, और क्या करना, पार्टी करना, खाना सोना हगना मूतना, यही तो काम था प्रियंका गांधी का 10 साल तक जब तुम्हारे पास सत्ता थी, तो तुम अपनी कर्तव्य निष्ठा देश के प्रति, अपनी जिम्मेदारियाँ देश के प्रति, तरक्की का मार्ग का कौन सा स्थान तुमने चुना, कौन सी जगह विकास का पैमाना तय किया, कौन सी रोड बनवा दी तुमने, कौन सा स्कूल बनवा दिया? प्रियंका गांधी का कंट्रीब्यूशन पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 0 था, जब सरकार नहीं है तो कौन सा तुम तीर मार लोगे और कौन सा तुम जाकर के उत्तर प्रदेश में बिगाड़ लोगे? जहां तुम्हारी सरकार है, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, वहां कौन सा पुदीना उग रहा है मुझे बताओ ना, कि जो तुम पुदीना उत्तर प्रदेश में उगा दोगे। इसलिए प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति हो, 10 वर्ष तक तुम्हारी सत्ता थी ना इस देश में, पूरी बहुमत के साथ थी, तो जो तुमने बोया है वो काट रहे हो तुम। तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के पीछे देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसे काम करने दो, उसके काम के प्रति जनता खुश है तो खुश रहने दो। तुम्हें वहाँ की जो राजनीति समझ में आती है, पिछले 70 साल से जिस कांटे को तुमने जम्मू कश्मीर में बोया है, आज 5 जवान मरे हैं, पिछले कई दिनों में हत्याएं लगातार हुई हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या जम्मू कश्मीर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस के प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं वहाँ पे मारी गई एक टीचर के प्रति, मक्खन लाल बिदड़ू के प्रति और तमाम नागरिकों के प्रति जो साइलेंट एकदम सेलेक्टेड किलिंग के की जा रही है, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? पिछले 70 सालों से जो जहर तुम लोगों ने बोया है, जो इस देश में कांटे बोए हैं, उसको निकालने में समय लग रहा है और वो समय चाहिए भी ठीक ढंग से निकालने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी तरह से लखीमपुर को हॉट सीट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देखिए, बंगाल के भी मुख्यमंत्री बयान देती है, सिद्धू जी कहते हैं अनशन पर बैठ जाएंगे, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये तो एक्शनकारी एक्शन है। पहले तो सिद्धू को मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी से पहले वो 1984 का जो दंगा हुआ था उसका न्याय मांग ले इस कांग्रेस अध्यक्षा से और उसके बेटे बेटियों से, फिर मैं बात करूंगा। पिछले 30 सालों से तो किसी सिख को न्याय दिया नहीं आपने, किसी सिख को न्याय नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में 5 लाख से ज़्यादा हिंदू शरणार्थी बन गया, कई सैकड़ों लोग मारे गए, किसको न्याय दिया और किसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार ने निभाई मुझे बताइए आप, मुझे बताइए आप। आपके छत्तीसगढ़ में कौन सा कांग्रेस बीज बो रही है? जहर का बीज बोते हो, समाज को तोड़ तोड़ करके उसमें राजनीति करते हो, यही तो तुमने किया है। कौन सा 30 मार, अगर तुम्हें न्याय करना है तो जाओ 84 के दंगों का कर लो, जो तुम्हारे बाप ने करा था, दंगा करवाया था 84 का, बोल के करवाया था, उस दंगाइयों को पहले सजा दिलवा दो, उनका जिनके घर जला दिए गए, जिनके गले में टायर डाल के जला दिया गया, तुम्हारे बाप ने डलवाया, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, वो पहले उन्हें न्याय दे दो, वो हजारों जो पंजाबी मारे गए, सिख मारे गए, पहले उनको न्याय दे दो, उन 2 लाख से ज़्यादा कश्मीरी जो अपने घर से बेघर हो गए तुम्हारे शासनकाल में, उसको न्याय दे दो। तुम्हारी माँ जब 2006-07 का जो चुनाव था कानपुर आई थी, तो हमारा एक सीनियर मर गया था तुम्हारी माँ की रैली में, उसको न्याय दे दो। तुम्हारे पास तो न्याय देने के अनगिनत मुद्दे हैं, वहाँ तुम लोग चुप हो जाते हो, और जहाँ पर एक हिंसक भीड़, हर भीड़ के पास डंडा था, लाठी थी, पत्थर थे, अब वहाँ पर मेरी गाड़ी पर अगर हम प्रियंका गांधी को ऐसे किसी ने टच कर दिया तो अटेम्प्ट टू रेप, हाफ मर्डर, क्या क्या बोल रही थी, अरे तुझे टच करने से हाफ मर्डर हो जाता है, तो तू मुझे बता जिसकी गाड़ियों पर ईंट पत्थर मारे जा रहे थे उसके साथ क्या हो रहा था? अगर छूने से प्रियंका गांधी का अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर हो जाता है, तो जिनकी गाड़ियों पर हमला किया जाता है, जिनकी गाड़ियों पर पत्थर मारे जाते हैं, जिनकी गाड़ियों पर लाठी मारी जाती है, जिनकी गाड़ियों में तलवारें घुसा दी जाती हैं, उनके साथ कौन सा अपराध होता है? प्रियंका गांधी को कुछ सेंस है? अगर प्रियंका गांधी अपने गिरेबान में झांक करके मुझे और इस देश को बताएं कि अगर उनको छूने से अटेम्प्ट मर्डर, हाफ मर्डर, हाफ रेप और
की अपराध साबित हो जाते हैं एक पुलिस वाले के द्वारा, तो जो भीड़ उसके गाड़ी पर हमला करती है, जो भीड़ उसकी गाड़ी में तलवार भोंक देती है, शीशे तोड़ देती है, ड्राइवर और उसमें बैठे पैसेंजर की जान पर बनाती है, वो कौन सी श्रेणी का अपराध है? ये मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए आप। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी दीदी प्रियंका छूने से हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बता दीजिए कि उस गाड़ी पे जिस पर आप लोगों ने हमला करवाया, हमला किया और घायल किया लोगों को, उस गाड़ी वाले के साथ कौन कौन से अपराध होते हैं, और वो व्यक्ति जिसकी मौत सामने दिख रही हो आपके लठैतों के द्वारा, डंडे और पत्थरबाजों के द्वारा, वो क्या करे, कहां पर रुके, पीछे कैसे जाए, आगे कैसे जाए, अपनी जान को कैसे बचाए? ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो दो पप्पू हैं हमारे इस देश में, उन दोनों पप्पुओं से पूछना चाहूँगा। और वो दीदी जो कांग्रेस की बड़की दीदी है, वैसे तो भाभी जी लगती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी दीदी दीदी लोग कहते हैं, मैं उससे भी पूछना चाहूँगा कि जब छूने से बहन जी तुम्हारा हाफ रेप, हाफ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है, तो उस लोगों के साथ आप क्या कर रहे थे? वो कौन सी श्रेणी का अपराध था जो ईंट मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई आज तुम्हारे रैली करने वाले जो रिक्शा वाले को डंडे मार रहे हैं उसकी गाड़ियों में आग लगा देता है, कोई टेम्पो में आग लगा देता है, कोई घरों में आग लगा देता है, कोई दुकान में जला देता है, वो कौन सी श्रेणी का अपराध है? और केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक और ये तमाम लोग जो बिलबिला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जब दंगे हुए, यही केजरीवाल दिल्ली में 7 किलोमीटर दूर अपनी विधानसभा से दूर निकल कर नहीं गया, उन लोगों से मिलने, उनसे देखने तक अपना मुंह तक नहीं दिखा सका, वो सबूत मांगता है सेना के जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक की। चल तुझे जफराबाद में सबूत दिखाता हूँ, चल तुझे गांधीनगर में दिखाता हूँ, चल तुझे भजनपुरा में सबूत दिखाता हूँ, कैसे लोग मारे गए, कैसे हाथ काट के उनको जला दिया गया, जब तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू इतना बड़ा बुजदिल है कि तू अपनी विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर अपनी ऑफिस से निकल करके जा करके सबूत और लोगों के साथ मिल करके उनके दुख दर्द को बांट नहीं सकता, तो तुझे किस बात की चिंता पड़ी है? और रही बात किसानों के हित की, तो 2 बीघा जमीन किसानों के पास दिल्ली राज्य में पड़ती है, उनको पूरी फुल फैसिलिटी के साथ MSP दे दो, उनको फुल फैसिलिटी के साथ इंश्योरेंस दे दो, उनके खेतों में ले जाके तुम अपना ट्रैक्टर लगा दो, जोत दो, बो दो, सिंचाई करने भी सुबह शाम चला जाया करो, ये तो बड़ा आसान काम है, 2 ही बीघा किसान हैं दिल्ली में, उन किसानों की भी भला कर दो। तो ये लोग किसी का भला नहीं करना चाहते, इनकी बूते में इतना दम नहीं है कि यही दिल्ली में प्रियंका गांधी थी, दिल्ली में राहुल गांधी था, दिल्ली में सोनिया गांधी थी, दिल्ली में केजरीवाल था, उसकी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, कोई भजनपुरा मैंने नहीं देखा कि जा करके दंगाइयों के सामने खड़ा होकर के लोगों को बचाने का प्रयास किया हो। ऐसे नपुंसकों को किसी सबूत की, किसी देश के विकास से या किसी के सहानुभूति से कोई लेना देना नहीं है, ये एक राजनीतिक गिद्ध हैं जो सिर्फ बोटियां देखते हैं, और बोटियों में भी कैसे ये देखते हैं, ये सूंघते हैं पहले कि उसमें इस्लाम घुसा हुआ है, कि उसमें हिंदू घुसा हुआ है, उसमें OBC है, जनरल है, कितना वोट है, क्या है, सब कुछ जब सूंघ लेते हैं सड़ी गली कटी फटी मरी हुई डेड बॉडियों में, तब जाकर के ये ट्वीट करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, और उस पर फिर प्रयोजित ये अपना प्रदर्शन और बयानबाजियां करते हैं। इन्हें देश को देश नहीं समझते, ये राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझते, हर बेटे को अपना बेटा बेटी नहीं समझते, ये गिद्ध सिर्फ अपनी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सोचते। इसलिए मैं विनय कुमार सिंह स्पष्ट और क्लियर तौर पर कहूँगा कि भारत के जिन राजनेताओं को राज्य में, अपने देश में, अपने बच्चों को देख करके उन्हें अपने बेटे बेटी नजर नहीं आते, उन्हें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको अपने बेटे बेटी नजर आते तो भजनपुरा दिल्ली की राजधानी में जो क्षेत्र था जहां पर दंगे हुए, बेमौत लोग मारे गए, घरों में आग लगा दी गई, किसी बेटी के पेट में तलवारें भोंक दी गई, किसी की पीठ को काट दिया गया, किसी के दोनों हाथ पैर काट करके आग में जला दिया गया, तब ये केजरीवाल, उसकी गैंग, उसके साथी, ये कांग्रेस, ये मायावती, ये मुलायम, ये अखिलेश, ये ममता बनर्जी और ये भूपेश और ये सिद्धू गहलोत कहाँ मर गए थे, कहाँ इनकी निद्रा चल रही थी?
जब ये लोग ऐसे ऐसे दंगों में अपना मुंह दुबा लेते हैं और जब छोटा सा किसानों का दो लोगों के बीच का ये एक झगड़े जैसा मामला था कि दो लोग आपस में लड़े भिड़े, एक ने डंडे मारे गाड़ी पर, दूसरे ने भागने की कोशिश में दो लोग दब गए, इससे ज़्यादा इस मामले में कुछ नहीं। जब दो दो हज़ार लोग मारे गए, दो दो लाख लोग घरों से निकाल करके बाहर फेंक दिए गए, जब तीन तीन हज़ार लोग इसी दिल्ली शहर में जिंदा जला दिए गए, तब न्याय कहाँ था, तब संविधान कहाँ था, तब ये कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेसियों से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गिद्ध राजनीति कर रहे हैं, ये गिद्ध राजनीति पर योगी आदित्यनाथ का ऐसा चाबुक चलेगा कि इनकी मिट्टी पलित हो जाएगी। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें मिलेंगी, अरे एड़ी चोटी एक लगा लो, चार सीट निकाल के दिखाना उत्तर प्रदेश में, मैं देखूँगा तुम्हारी। लेकिन एक चीज़ और, आप जिस तरीके की ये बात कर रहे थे गिद्ध की राजनीति, इन सब में एक और प्रकरण आप देख रहे हैं कि मौतें तो वहाँ 9 हुई है, लेकिन चार लोग जो मारे गए हैं वो किसान मारे गए हैं, और चार जो लोग मारे गए हैं उनको कहा जा रहा है वो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। एक्शन का रिएक्शन तब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी आप पे नहीं चढ़ी है, आप गाड़ी पर चढ़े हैं, तो गाड़ी जब मेरी गाड़ी पर चढ़ जाओ, या राहुल गांधी की, अब वही तो मैंने कहा, प्रियंका गांधी को एक पुलिस वाला अगर टच कर देता है तो हाफ मर्डर, हाफ रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है। एक गाड़ी वाले के ऊपर आप 20 लोग, 50 लोग, 2000 लोग खड़े होकर के डंडा दिखा रहे हो, मार रहे हो, और उसके अंदर गुलाठियां घुसेड़ रहे हो, वो किस तरीके का अपराध है? इसलिए किसानों को भी और जनता को भी ये दोनों साइड बैलेंस करके देखना है। कभी भी भीड़ के द्वारा हजारों केसेस ऐसे हुए, देश में कितनी गाड़ियां जला दी गई। आज के भी धरना प्रदर्शन में आप कह रहे हैं कि रिक्शा वालों को मारा, टेम्पो वालों को मारा, किसी टैक्सी वाले को मारेंगे, तो उसके साथ कौन सी श्रेणी का अपराध? ये राजनीतिक पार्टी के उग्र प्रदर्शनकारी करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के धरना प्रदर्शन वाले करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के ये रैलियां जो इलेक्शन वाली करते हैं उसमें जो ये हिंसा आप लोग करते हो, किस श्रेणी की हिंसा है और इस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या उस जिस गाड़ी वाले को, जिस टेम्पो वाले को मारा है, उसे नया टेम्पो नहीं लेना चाहिए? इनको गाड़ियों को बेच देना चाहिए, कांग्रेस कार्यालय में खड़ा कर देना चाहिए उस अपने टेम्पो को, और उसे कहना चाहिए कि नया टेम्पो मुझे ला के दो। और इस तरीके की जब कार्यशैली हम अपनाएंगे, जनता अपनाएगी, तो अपने आप ये राजनीतिक हिंसा है और इस हिंसा को रोका जाना चाहिए। और तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियां स्पष्ट समझ लें कि अब समय बदल गया है। आप किसी भी भीड़ में गाड़ी पर आप चढ़ा करके सोचोगे, ईंट पत्थर मार के पेट्रोल डाल के जला दोगे, तो वो गाड़ियां आपके ऊपर चढ़ जाएंगी और फिर आप अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे। अपना होश संभालो, अपनी राजनीतिक कार्यशैली बदलो और हर व्यक्ति के जीवन का, हर व्यक्ति के महत्व का महत्व समझो। किसी की गाड़ी अपने, उसने कितनी मेहनत से गाड़ी खरीदी है, किसी ने अपना दुकान बनाया है, किसी ने अपना घर बनाया है, आप कुछ भी कर देते हो राजनीति के नाम पर, भीड़ के नाम पर, आपको सब बर्दाश्त करते रहेंगे? तो नहीं करेंगे हम, मैं तो खुद नहीं करूँगा। मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही वही करता जो उस ड्राइवर ने किया।